तो क्या हर बात मुझे परेशान कर सकती है? क्या क्या हर व्यक्ति मुझे परेशान कर सकता है? क्या हर परिस्थिति मुझे परेशान कर सकती है? क्या इतना छोटा बन गया हूं मैं को कोई भी आएगा ऐरा गैरा नथू गैरा मुझे परेशान करने लग जाए? एक्चुअली में देखिए हम क्या हैं, हम उसके बेसिस पे बिहेव नहीं करते, बल्कि हम क्या फील कर रहे हैं उसके बेसिस पे बिहेव करते हैं। बात सही है कि नहीं? हम जो हैं कभी उसके बेसिस पे हमने बिहेव नहीं कर रहे लोगों के साथ कि हाँ ना मैं भगवान का अंश हूं, मैं भक्त हूं, मैं फलाना हूं ढिनकाना हूं ना, पर मुझे फील क्या हो रहा है उस समय मैं उसके बेसिस पे बिहेव करता हूं हमेशा। बेशक हम मंदिर आ रहे हैं मगर घर पे मेरी बात किसी ने मानी नहीं, तो मंदिर आके भी हम क्या कर रहे हैं? भक्तों के साथ अजीब सा मुंह बना के बिहेव कर रहे हैं। मुंह हमारा टेढ़ा ही है, अभी भी खुशी नहीं आ रही है। वैष्णव सदाचार तो ये बोलता है कि भक्तों को देखे चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, मगर चेहरा फूला हुआ है, बोलो किसी से बात नहीं करूं, भगवान के दर्शन भी नहीं कर रहे हैं, उनसे भी रूठा ना रूठे हुए हम लोग। तो कैसा मेरे साथ फील हो रहा है उसके बेसिस पे ही मेरा बिहेवियर बन गया। तो आपका फोकस आपकी रियलिटी को डिटरमिन करता है, आपका फोकस क्या है। नफीसा जोसफ 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया उसने, MTV की बहुत बड़ी विजेता थी, बहुत जानी मानी, बहुत प्रसिद्धि मिली उसको, बहुत पॉपुलर, मिस इंडिया बन गई थी, और फिर आगे चल के मियामी में फ्लोरिडा में मिस वर्ल्ड की फाइनलिस्ट रही, वो वहां तक गई थी, फिर इंडिया वापस लौटी थी, तो समृद्धि के चरम पे थी वो। मगर हुआ क्या कि जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था उस व्यक्ति ने 2 साल तक उसे छुपा के रखा कि उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसको बता तो दिया था मगर 2 साल तक वो पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ था, तो इसको लगा झूठ बोल दिया, वो झूठ सहन नहीं कर पाई, सुसाइड कर लिया। अब सोचिए यही कसौटी बची है कि कोई झूठ बोल दे, इधर भैया फंदा डाल दिया गले में। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि जीवन का फोकस क्या है, लाइफ का फोकस क्या है, कि छोटा सा कुछ मेरे को यहां पे काटा अटका मेरा और मैंने जाके इतना बड़ा स्टेप ले लिया, दैट मीन्स कि मेरी इमोशंस ने मुझे ड्राइव कर दिया कहीं और, दैट मीन्स कि मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और जो वहां पे कंट्रोल करना चाहता था वहां पे इमोशंस उसको संभाल नहीं पाई। तो इस प्रकार रियल प्रॉब्लम ये नहीं है जो मेरे साथ हुआ उसमें दम नहीं है, पर जो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है उसमें बहुत दम है। जो हुआ वो तो मेरे कर्मों का काम है ना, जो भी मेरे साथ हुआ दैट इज माय रिएक्शन, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं मगर मेरे को ऐसा लग रहा है उसके कारण मैं इतना भड़क गया। तो मेरे साथ किसी ने बुरा किया उसमें दम नहीं है, पर उन शब्दों को अपने ऊपर सोच सोच के उसमें लगता है कि बहुत दम है, वो मैं मानने लग जाता हूं कि हाँ यही मेरी इमोशंस हैं कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। किसी ने आपको गाली दी, गाली क्या है? They're just letters. मगर उस गाली का मीनिंग बना बना के अरे उसने मेरे को कुत्ता बोला, नहीं कुत्ते का बच्चा बोला, नहीं सुअर बोला, नहीं सुअर का बच्चा बोला, वैसे इतने सारे कैसे हो सकते हैं आप? मगर हमें लगता है कि हम सब हैं, मैं कुत्ता भी हूं, कुत्ते का बच्चा भी हूं, सुअर भी हूं, सूअर का बच्चा भी हूं, सब मान लिया मैंने। बोले कैसे बोल दिया उसने मेरे को ऐसा? अरे है क्या, दीज आर जस्ट लेटर्स, मगर उसका मीनिंग बना बना के कानों में गुजा गुजा के जोर जोर से कुत्ता कुत्ते का बच्चा, अरे वो बोल रहा था, तेरा कान बोल रहा है ना, ऐसा लाउड स्पीकर लगा के खुद से बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया, और पूरी दुनिया को बताएंगे इसने मुझे कुत्ता बोला, नहीं कुत्ते का बच्चा बोला। तो मुझे क्या फील हो रहा है उसकी, वो मीनिंग बना बना के जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के अब वो बातें मेरे हृदय में निकल रही, जबकि वो सामने वाला तो एक लेटर बोल के चला गया बस, और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी वो बोलने की, उसके तो मुंह पे चढ़ा हुआ था। जो गाली देने वाला होता है ना कभी इंटेंशन देता नहीं, उसके मुंह पे चढ़ा हुआ था, कभी आप देखिए नहीं, वो कभी माँ बाप को भी बोल देता है, ओ सॉरी 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 पापा, सॉरी माँ बाप भी निग्लेक्ट करते, बोले यार ये तो गया, बट इट डजंट मीन दैट,
मगर मीनिंग हम लोग निकाल निकाल के ना अपने ऊपर थोप थोप के ना और उसी इमोशंस में बहते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।